हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉर्ट एंड गुरुजी। आई थिंक आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बेसिस से स्टेनो के लिए। तो आज की जो क्लास है कोई डिक्टेशन नहीं है, एक आउटलाइन का डिक्टेशन होगा जो कि उच्च गति अभ्यास के लिए होता है। और आज की जो आउटलाइंस हैं वो थोड़ी सी जो पहले थे उससे थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जैसे धीरे धीरे आउटलाइंस आप लोग लिखते जाएंगे आउटलाइन का लेवल धीरे धीरे और ज्यादा हाई होता चला जाएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ आउटलाइन है। लेकिन हाँ, जो SSC की पत्रिका नंबर 1 होती है उससे ही आउटलाइन नहीं है, ये न्यूज़पेपर की आउटलाइन है। देखिए मैंने सब पे हाईलाइट कर लिया हुआ है और ये सारी आउटलाइंस जो है आपको डिक्टेशन के फॉर्म में मिलेंगी। इसमें से 50 से ज्यादा आउटलाइंस मैंने हाईलाइट की हैं और मेरी कोशिश यही है कि जितने भी ऐसे कठिन वर्ड्स होते हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग मैगजीन की प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन जब स्किल टेस्ट देने जाते हैं और डिक्टेशन टफ बोल दिया जाता है और पेपर से डिक्टेशन आ जाता है या फिर कुछ टफ वर्ड्स आ जाते हैं तो उनको दिक्कतें होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए उनको कोई भी दिक्कतें ना हो और बहुत ही अच्छे से वो कठिन शब्दों को भी बना पाए, उनकी भी आउटलाइन पहले से प्रिपेयर करें, चाहे वो किसी भी प्रणाली में करते हो, चाहे वो ऋषि में करते हो या फिर अन्य किसी प्रणाली में करते हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आउटलाइन है। अगर आप ऋषि प्रणाली में करते हैं तो आपको हमारे ग्रुप पे भी बहुत सारी आउटलाइंस मिल जाएंगी। अगर आप किसी अन्य प्रणाली में करते हैं तो जिससे आप आउटलाइंस बनवाते हैं या खुद ड्रॉ करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए आउटलाइन का डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी गेन करता है बहुत ही जल्दी, और जो वर्ड्स आपके छूट जाते हैं, जो बड़े वर्ड्स आप नहीं बना पाते, उससे भी आपको फैमिलियर करा देगा। तो इसलिए आउटलाइंस के डिक्टेशंस को भी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस डिक्टेशन होता है 70 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि इसमें सेपरेट वर्ड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आउटलाइन की वीडियो। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग आई थिंक कॉपी वॉपी लेकर बैठ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आउटलाइन का डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। अलगाववादी, अनदेखी, दुस्साहस, राष्ट्र विरोधी, नेतृत्व, शत्रुओं, भेदभाव, अन्याय, उत्पीड़न, समुदायों, असहमति, दलगत राजनीति, प्राथमिकता, जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर, विश्वव्यापी, विकासशील, महामारी, आर्थिक ठहराव, भारतीय रिजर्व बैंक, सिकुड़न, अर्थव्यवस्था, दबदबा, संदिग्ध, कठघरे, लद्दाख, अतिक्रमणकारी, अंकुश, प्रतीकात्मक, प्रभावित, लॉकडाउन, अपेक्षित रियायत, केंद्रीय कर्मचारियों, अवकाश, सुलझाना, उच्चतम न्यायालय, निःसंदेह, सिलसिला, अर्थशास्त्रियों, संक्रमण, अधिसंख्य, छुटकारा, स्वास्थ्य मंत्रालय, आंकड़ा, भयावह, वैज्ञानिकों, सावधानी, जागरूकता अभियान, शारीरिक उल्लंघन, ग्रामीण क्षेत्र, खाद्यान्न, खस्ताहाल, क्षतिपूर्ति, आधारभूत, रेडीमेड गारमेंट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डिक्टेशन थी जो कि आउटलाइन के फॉर्म में थी। आप लोग इसको लिख के कमेंट में जरूर बताइए कि कितने डिक्टेशंस आप लोग लिख पाए, यानी कितने वर्ड्स की अच्छे से आप लोगों ने आउटलाइन बना ली है और कितने वर्ड्स में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोग ऋषि प्रणाली लिख के, मतलब ऋषि प्रणाली में लिखते हैं, और अगर आपको कोई आउटलाइन नहीं आ रही तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे ही दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम में पूछेंगे, बहुत सारे लोग उसमें ऐड हो चुके हैं, आपको कोई ना कोई बता देगा। और जो कुछ टफ आउटलाइंस होती हैं अक्सर, वैसे भी मतलब जैसे आपको अभी नहीं आ रही तब तो ठीक है, आपको बताया ही जाएगा, लेकिन जैसे कोई नहीं पूछता फिर भी रेगुलर जो टफ वर्ड्स मैं देखता हूं अक्सर आउटलाइन उसकी बना के सेंड करता रहता हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको नोट करते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।